कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बुधवार को मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि चर्चा के बाद इसकी तारीख तय की जाएगी। अभी संसद का मानसून सत्र चल रहा है और ये पहले दिन से ही विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। दरअसल विपक्ष मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जवाबदेही तय करने और इस हिंसा पर बहस करने की मांग कर रहा है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत कई नेता बार बार सदन में इस मुद्दे पर खुलकर बहस करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में इस पर जवाब दें। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव, और ये भी जानेंगे कि क्या मोदी सरकार को इस अविश्वास प्रस्ताव से खतरा है या नहीं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नमस्ते, मैं जैकी यादव न्यूज दशा में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव। अगर लोकसभा में किसी विपक्षी दल को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है तो वह अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। अगर सत्ताधारी दल के पास सदन में बहुमत नहीं है तो प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। यहाँ आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, इसे राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति ही जवाबदेह होता है। लोकसभा का कोई भी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव को ला सकता है। इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि इसे लाने के लिए सुबह 10 बजे से पहले प्रस्ताव की लिखित सूचना देनी होती है। उसके बाद उस प्रस्ताव को कम से कम 50 सांसदों का समर्थन भी हासिल होना चाहिए। अगर 50 लोकसभा सांसदों के हस्ताक्षर के बाद ये नोटिस स्पीकर को दिया जाता है और लोकसभा स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं तो प्रस्ताव पेश करने के 10 दिनों के भीतर इस पर चर्चा होना जरूरी होती है। चर्चा होने के बाद इस प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जाती है। वोटिंग में इस समय बहुमत का आंकड़ा 272 है, यानी लोकसभा के कुल 543 सदस्यों में से 272 से कम वोट मिलने पर मोदी सरकार गिर जाएगी। अब जानते हैं कि क्या मोदी सरकार अविश्वास प्रस्ताव को झेल पाएगी। क्या मोदी सरकार के पास अभी इतने सांसद हैं जो उनकी सरकार बच जाए। अगर बात करें एनडीए की तो एनडीए के पास लोकसभा में 333 सदस्य हैं, और अगर सिर्फ भाजपा के ही सदस्य संख्या देखी जाए तो वो भी 301 है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास मात्र 144 ही लोकसभा सांसद हैं। यानी आप यहां से समझ सकते हो कि इस विश्वास प्रस्ताव से मोदी सरकार को कोई भी खतरा नहीं है। मोदी सरकार के खिलाफ ये पहली बार अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया है। 2018 में लोकसभा चुनाव से एक साल पहले भी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। जुलाई 2018 में सदन में 11 घंटों की लंबी बहस चली और आखिरकार मोदी सरकार ने सदन में अपना बहुमत साबित कर दिया था। वोटिंग के बाद सदन में विपक्ष का लाया गया अविश्वास प्रस्ताव 325 मतों के मुकाबले 126 मतों से गिर गया था। अब आपके दिमाग में एक और प्रश्न उठ रहा होगा कि जब सरकार नहीं गिरेगी तो ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया। आइए जानते हैं इस सवाल का भी जवाब। विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी अहम मुद्दों पर मौन साध लेते हैं। इससे पहले भी वह कई मुद्दों पर, जैसे राहुल की सदस्यता, महिला पहलवानों का मुद्दा व अडानी हिंडनबर्ग मामले पर भी चुप्पी साध चुके हैं। विपक्ष की कई मांगों के बाद भी वह मौन रहे हैं। ऐसे में वह अविश्वास प्रस्ताव लाकर पीएम नरेंद्र मोदी को बोलने पर मजबूर करेंगे और यह प्रचारित भी करने की कोशिश करेंगे कि गंभीर मुद्दों पर जवाब देने से बच रहे पीएम मोदी को विपक्ष की एकता ने बोलने पर मजबूर कर दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री को बुलवाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। अब समझते हैं इस अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास।
लोकसभा में अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं। पिछली बार जुलाई 2018 में विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जो कि बुरी तरह से फेल हो गया था। लोकसभा में पहली बार सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था। इसे समाजवादी नेता आचार्य कृपलानी पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ लेकर आए थे। ये अविश्वास प्रस्ताव 347 वोटों से गिर गया था और नेहरू सरकार सत्ता पर बरकरार रही थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ रखे गए इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े थे, जबकि विरोध में 347 वोट पड़े थे। अब यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कितनी बार उसे अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। लोकसभा में सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ लाए गए हैं। उनकी सरकार के खिलाफ कुल 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। वहीं लाल बहादुर शास्त्री और नरसिम्हा राव की सरकारों के खिलाफ भी 3-3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इसके अलावा राजीव गांधी, बीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की सरकार भी 1-1 बार इसका सामना कर चुकी है। भले ही लोकसभा के इतिहास में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो, लेकिन अब तक केवल 4 बार ही सरकारें गिरी हैं। पहली बार 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार, दूसरी बार 1990 में बीपी सिंह की सरकार, तीसरी बार 1997 में एसडी देवगोंडा की सरकार और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव पास किए गए हैं। यहां जानना यह भी रोचक है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार इस अविश्वास प्रस्ताव में मात्र 1 वोट से गिरी थी। इस वोटिंग में 269 वोट वाजपेयी सरकार को मिले थे और वहीं 270 वोट विपक्ष के खेमे में पड़े थे। आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।